होगा एक एक कप चीनी और हमें कस्टर्ड चाहिए होगा, कस्टर्ड पाउडर, वेनिला या कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, और एक एक जग पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है और इसको घोल लेना है। तो आप इसको गोल गोल घुमाना है आपको ऐसे, और कुछ देर बाद आपका कुछ ऐसा मिक्सचर आना चाहिए जो बिल्कुल ऑरेंज और येलो के जैसा होना चाहिए। और हमें अब इसको इस पानी को उबालना है। तेज आंच पे पानी को बॉईल होने दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी उबल चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इसको हमें चलाते रहना है। हमें इसको चलाते रहना, उसके बाद कंटिन्यूअसली, वरना ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी रुकना नहीं है और इसको नॉनस्टॉप चलाते रहना है। इसको तब तक चलाते रहिएगा जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हम लोगों को ऐसे घुमाते रहना है और एक जरा भी रुकना। आपको एक प्लेट में घी लगा के रेडी रखना है। अब देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा ठीक हो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये कैसा हो गया है, ये हम लोगों का ठीक हो गया। आप देख सकते हो कितना अच्छा मिक्सचर बन चुका है इसका। आप लोग देख सकते हैं कितना ठीक हो गया है। अब हम लोगों को इसको और चलाना है। अब फ्रेंड्स ये मिक्सचर ठीक हो गया है। अब हम अब इसको घी वाले प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोगों को इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर देना है प्लेट में, जो घी वाला प्लेट था, और ये पूरा भर जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो थोड़ा जेली जैसा हो गया है। अब हम लोगों को इसको छोड़ देना जब तक ये पूरी तरह ठंडा ना हो जाए। ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दे, और जब फ्रिज में ठंडा हो जाए तो आप इसको स्मॉल पीसेस में काट दीजिए। तो फ्रेंड्स जब ये ठंडा हो गया है, अब हम लोगों को इसमें फ्रीजर में रख देना है और बंद कर देना है। ज्यादातर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।